Why do we need to care? Why is it so urgent right now? I'm sitting in London and hearing from my friends and family in India about how hospitals are at capacity. There are no rooms in ICUs, ambulances are too busy, um, oxygen supply is less, crematoriums having mass cremations because the volume of deaths is so much. India is my home, and India is bleeding. And we as a global community need to care. And I'll tell you why we need to care. Because unless everyone is safe, no one is safe. So please use your resources and focus your energy on helping stop this pandemic. Please donate. And I understand a lot of people must be angry and thinking about, you know, why are we in this place in the first place? Why is this happening? Well, we'll address that. We'll address that after we stop the urgency. Please donate and please use your resources as much as you can. इंडिया न्यूज नमस्कार मैं आज एक गुजारिश करना चाहता हूं सरकार से और सभी उन लोगों से जो मदद में आगे आना चाहते हैं। हमने देखा है कि इस कोरोना की इस वेव के अंदर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे परिवार वालों ने बहुत कीमती सदस्य खोए हैं। बच्चों ने अपने माँ बाप खो दिए किसी ने अपनी माँ खो दिए दो दिन पहले और दो दिन बाद उनके फादर नहीं रहे कईओं के तो दोनों माँ बाप नहीं रहे और बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं कोई दस साल का कोई बारह साल का कोई आठ साल का मैं हमेशा सोचता हूं कि इनके फ्यूचर का क्या होगा तो बड़ा इंपॉर्टेंट है मैं सरकार से दरखास्त करूंगा सारी स्टेट गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या जो भी इंस्टीट्यूट जो मदद करती हैं आगे आती हैं कि एक रूल बनना चाहिए कि इस कोविड के दौरान जिन जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं उन बच्चों की पूरी पढ़ाई स्कूल से लेकर कॉलेज तक चाहे वो सरकारी स्कूल्स में पढ़ते हैं चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए चाहे वो किसी भी स्तर पर पढ़ना चाहते हैं इंजीनियरिंग करना चाहते हैं मेडिकल करना चाहते हैं कोई भी कोर्स करना चाहते हैं उनकी पूरी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए ये एक रूल बनाना चाहिए ताकि वो परिवारों के वो बच्चे जिन्होंने कोविड के अंदर अपने माँ बाप को खोया है वो अपना फ्यूचर जो है सेव कर सके और कुछ ना कुछ ऐसे रूल जरूर निकलने चाहिए कि जिन परिवारों ने ब्रेड विनर्स जो है वो खो दिए हैं जो कमाई करने वाले जो लोग हैं उनके नहीं रहे हम एक ऐसा एक, एक सिस्टम बनाए एक ऐसा रूल बनाए ताकि उन परिवारों की आगे जो जिंदगी है चल सके खासकर कोविड के अंदर जो लोगों ने परिवार वाले खोए हैं उनके लिए रूल बनने बहुत जरूरी है आई थिंक मैं दरख्वास्त करूंगा सब लोगों से जो भी इन्फ्लुन्शल लोग हैं जो इनकी आवाज के अंदर वो ताकत है प्लीज आगे आए और ये आवाज जरूर उठाएं ताकि हमारे देश में जिन लोगों ने अपने परिवार वाले खोए हैं उन्हें अपना जो भविष्य है वो अंधकार में न लगे थैंक यू सो मच